चलो ध्यान दो। सर क्वेश्चन नंबर 5 वाला पार्ट, 6 वाला पार्ट तुम लोग को होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 तो हम लोग डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम बता रहे पहले, जिसको भी डाउट होगा पूछे चले जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में अगर हम लोग नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर की बात करें तो वन आंसर आएगा, फिर उसके बाद इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर की बात करें तो भी वन आंसर आएगा, और आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर कंसिडर करें, एक मिनट, तो अगर सब कुछ वन वन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला पार्ट के बाद भी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस वन के बराबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में सबका आंसर वन के बराबर होना चाहिए, ऐसा लगता है हमको होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ठीक ठीक सवाल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो इस केस में एक हाँ यहाँ पे क्लोरीन दिखाई दे रहा है, एक हो सकता है, फिर उसके अलावा दूसरा यहाँ पे क्लोरीन दिखा रहा है, दूसरा हो सकता है, फिर उसके बाद इधर तीसरा क्लोरीन हो सकता है। इसको नीचे बना देते हैं, ऊपर डायग्राम बना बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलो सबसे पहले मोनोक्लोरो प्रोडक्ट में क्लोरीन के अलग अलग पोजीशन की बात कर सकते हैं, तो एक ये पोजीशन हो सकता है, दूसरा यहाँ कोई पोजीशन हो सकता है क्लोरीन का, तीसरा थर्ड पोजीशन यहाँ मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद चौथा पोजीशन इधर मेंशन कर सकते हैं, और पांचवा पोजीशन नीचे मेंशन कर सकते हैं। टोटल 5 प्रोडक्ट मिलेगा एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर टोटल 5 मिलना चाहिए। उसके बाद अगर मान लो इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर की बात करते हैं, तो पहले वाले केस में कोई कायरल सेंटर नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर कायरल सेंटर नहीं है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोनों भी पॉसिबल नहीं है, तब इस केस में फिर हम लोग आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। एक मिनट यार, क्या हो गया? पहले वाले केस में एक प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, दूसरे वाले केस को जब कंसिडर करेंगे तो दूसरे वाले केस में कोई कायरल सेंटर नहीं, कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं, एक ही प्रोडक्ट आएगा। थर्ड वाले केस में दो कायरल सेंटर बन रहा है, और अगर दो कायरल सेंटर बन रहा है तब इस केस में अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, दो कायरल सेंटर, 2^2, मतलब 4 आइसोमर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 वाले केस में भी दो कायरल सेंटर बन रहा है, इसका मतलब 2^4 4 मॉलिक्यूल्स बन सकता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब पार्ट नंबर 5 में कायरल सेंटर तो नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग सिस प्लस ट्रांस दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर हम लोग मतलब सॉरी अगर हम लोग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हुए काम करते हैं कि मॉलिक्यूल में अगर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग का रिंग का स्ट्रक्चर दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो अगर यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखा, तो इसका मतलब हम लोग आराम से ज्योमेट्रिकल इसीलिए आइसोमर कंसिडर करते हुए काम कर सकते थे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के हिसाब से 2 निकल के आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर अगर कंसिडर करें, तो उसके हिसाब से 4, 4, 8, 2, 10 और 2, 12 निकल के आ जाना चाहिए आंसर। फिर उसके बाद जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे, तो इधर तो एक ही स्टीरियोआइसोमर है, मतलब एक ही प्रोडक्ट होगा, दूसरे में भी एक स्टीरियोआइसोमर एक प्रोडक्ट होगा। अगर 4 स्टीरियोआइसोमर है, तो बेसिकली इस चीज का ध्यान रखना, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन तो किया ही था, वापस से एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को। अगर हम लोगों का दो कायरल सेंटर है, तो जैसे एक आर कन्फिग्रेशन हो सकता है, दूसरे वाले पे आर कन्फिग्रेशन हो सकता है, फिर एक पे आर कन्फिग्रेशन, दूसरे पे एस, तीसरे पे एस आर, और दोनों पे एस एस कन्फिग्रेशन, तो ये दोनों पार्ट इनेंशियोमर होगा और ये दोनों पार्ट भी इनेंशियोमर होगा। तो जब भी कभी एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो एक चीज ध्यान होगा तुम लोगों को, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में सारे के सारे आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और अगर सारे के सारे आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हुए, तब इस केस में हमेशा जितना आइसोमर निकल के आया उसको बाई 2 कर दो, ताकि वहां से हम लोग इनेंशियोमेरिक पेयर की बात कर सकते हैं। जैसे 4 जूता है, तो 4 जूता का मतलब कितना पेयर हो गया, तो 2 पेयर ऑफ शूज बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग 4 स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो इन 4 में से 2 पार्ट आपस में इनेंशियोमर होगा, तो एक पेयर इधर हो गया, 2 पार्ट आपस में इनेंशियोमर होगा, दूसरा पेयर इधर हो गया, मतलब टोटल मिला के 2 इनेंशियोमेरिक पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और जो इनेंशियोमर्स है वो हमेशा सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रखता है, मतलब सेम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट रखेगा। तो इस केस में 4 में हम लोग के पास 2 इनेंशियोमेरिक पेयर्स हैं, और अगर 2 इनेंशियोमेरिक पेयर्स हैं, तो यहाँ से उन दोनों को हम लोग, जैसे एक चीज सोच सकते हैं,
दो इनेंशियोमर वाले पार्ट एग्जैक्टली क्या बोल सकते हो उसको, एक बॉइलिंग पॉइंट पे बाहर निकलेगा, ठीक है। मतलब दो इनेंशियोमर एक जगह पे निकल गया, लेकिन अगर बाकी पार्ट की बात करें उसमें, जैसे आर आर और आर एस, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ना मिरर इमेज है ना सुपर इम्पोजिबल है, इसका मतलब डायस्टीरियोमर। एंड ऑल डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब इन दोनों डायस्टीरियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, और अगर दोनों डायस्टीरियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हुआ तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट डेफिनेटली अलग होगा। तो ये दोनों अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, मतलब ये एक फ्रैक्शन बनाएगा, नीचे वाला पार्ट दूसरा फ्रैक्शन बनाएगा। तो डायस्टीरियोमर्स अलग फ्रैक्शन पे जाएंगे जबकि इनेंशियोमर एक फ्रैक्शन पे जाएगा। तो आर आर के साथ साथ जो एस एस था ये एक फ्रैक्शन बनाएगा, और आर एस के साथ एस आर वाला पार्ट ये दूसरा फ्रैक्शन बनाएगा, जबकि ये दोनों आपस में अलग अलग फ्रैक्शंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब भी कभी स्टीरियो आइसोमर्स निकल के आ गया तो बाई टू करो, और बाई टू करने से हम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड वाले पार्ट में कितने इनेंशियोमेरिक पेयर्स हैं, उतने ही फ्रैक्शंस निकल के आ जाएंगे। तो अगर चार स्टीरियो आइसोमर, इसका मतलब दो फ्रैक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं, इसके अगले वाले में भी चार, इसका मतलब दो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन लास्ट वाले केस में, क्योंकि सिस प्लस ट्रांस है और सिस प्लस ट्रांस का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, इनफैक्ट सिस और ट्रांस जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसको खुद भी डायस्टीरियोमर बोलते हैं हम लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस ट्रांस का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, तो ये दोनों भी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे, मतलब अलग अलग फ्रैक्शंस का फॉर्मेशन कराएंगे। तो टोटल मिला के 2, 4, 6 और 2, 8, हम लोग 8 फ्रैक्शंस आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आराम से बोल सकते हैं। तो पहले वाले केस में आंसर 5 हो गया, दूसरे वाले केस में आंसर 12 हो गया, तीसरे वाले केस में आंसर 8 के बराबर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है लेकिन इस तरह का सवाल करने आना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा चलो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में अगर हम लोग प्रोडक्ट कंसिडर करना शुरू करेंगे, तो इस केस में एक तो ऊपर वाला कार्बन नीचे का वाला कार्बन सेम दिख रहा है, क्योंकि बी से डिवीजन कर रहे हैं तो दोनों एग्जैक्टली इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ से अगर डिवीजन किए तो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट सेम है, तो इसका मतलब आराम से हम लोग नीचे वाले कार्बन को ऊपर वाले कार्बन को सेम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कार्बन है वैसा ही कार्बन नीचे भी है। उसके अलावा ये रेड वाले पार्ट को हम लोग दूसरे वाले पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे वैसे ध्यान दो, जैसे ये रेड वाला पार्ट इसके जैसा भी है, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल को यहाँ से भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये रेड वाले पार्ट के जैसा इधर का भी रेड पार्ट है। तो ये रेड पार्ट इसके जैसा है, ये रेड पार्ट इसके जैसा भी है, इसका मतलब है ये तीनों एक्चुअल में सेम है और चौथा वाला पार्ट भी सेम है। तो ओवरऑल हम लोग के पास एक वाइट एटम नया है, ब्लू एटम यूनिक है, और ये चारों रेड मिला करके कोई एक ही एटम को लेना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सारा का सारा पार्ट एग्जैक्टली सेम दे रखा है। तो इस केस में जब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे, मतलब क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पोजिशनल आइसोमर बनाना शुरू करेंगे, तब उस केस में अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में सबसे पहला आंसर तो ये निकल के आएगा। एक मिनट, सबसे पहला आंसर ऊपर वाले मिथाइल या नीचे वाले मिथाइल के किसी एक कार्बन पर क्लोरीन लगा दिया। फिर उसके बाद दूसरा आंसर ऊपर वाला मिथाइल या नीचे वाले मिथाइल जिस कार्बन पर अटैच हो रहे हैं वहां पे एक क्लोरीन लगा दिया, या फिर तीसरा आंसर ऊपर या नीचे वाले मिथाइल के अलावा बाकी जो ग्रुप है इनमें से किसी एक जगह पे क्लोरीन को लगा दिया। तो टोटल मिला करके अपने पास यहाँ पे तीन प्रोडक्ट निकल के आए एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, लेकिन ये तो केवल एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर है। अगर हम लोग इसमें स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करें, तो पहले वाले केस में कोई कायरल सेंटर तो नहीं है, लेकिन पहले वाले केस में कायरल सेंटर ना होते हुए भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है सिस प्लस ट्रांस। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है रिंग वाले स्ट्रक्चर में सिस प्लस ट्रांस, तो यहाँ पे टोटल दो स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे। दूसरे वाले केस में भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, और कायरल सेंटर नहीं है लेकिन रिंग का स्ट्रक्चर है, तो उस केस में वापस से सिस प्लस ट्रांस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सेकेंड वाले केस में भी दो स्टीरियो आइसोमर, और थर्ड वाले केस पे टोटल तीन कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तीन कायरल सेंटर, इसका मतलब 2 टू द पावर 3, तो टोटल 8 स्टीरियो आइसोमर की बात कर सकते हैं हम लोग।
तो पहले वाले केस में दो, दूसरे वाले केस में दो, तीसरे वाले केस में आठ, इसका मतलब टोटल मिला के 12 स्टीरियो आइसमर बोल सकते हैं, या फिर 12 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसमर बोल सकते हैं। अब इसके बाद जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसमर अलग अलग फ्रैक्शन पे जाएगा, सिस अलग बॉइलिंग पॉइंट, ट्रांस अलग बॉइलिंग पॉइंट, तो सिस अलग फ्रैक्शन पे, ट्रांस अलग फ्रैक्शन पे। तो पहले वाले केस में दो फ्रैक्शन, दूसरे वाले केस में भी दो फ्रैक्शन, बट तीसरे वाले केस में अगर आठ स्टीरियो आइसोमर है तो पेयर्स कितने होंगे, तो आठ के अंदर चार इनेंशियोमरिक पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो चार इनेंशियोमरिक पेयर होगा, मतलब पहला पेयर और दूसरा पेयर, ये दोनों आपस में हमेशा डायस्टीरियोमर रहेंगे। तो सीधा ये देखना कि टोटल प्रोडक्ट में, मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर में कितने इनेंशियोमरिक पेयर हैं, जितने इनेंशियोमरिक पेयर हैं वो सब आपस में डायस्टीरियोमर्स होंगे। आराम से चार अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रख के चार फ्रैक्शंस का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर आठ स्टीरियो आइसोमर तो वहाँ से आंसर अपना चार निकल के आ जाएगा। तो चार दो छः दो आठ, टोटल आठ फ्रैक्शंस आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जा सकता है। अगर कोई डाउट है यहाँ तक के क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। बताओ भी कोई डाउट किसी को। चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट वाले पार्ट में अगर ढंग से देखो तो यहाँ से डिवीजन करने पे दो इक्वल पार्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये कार्बन इसके जैसा होगा, फिर उसके अलावा ये ब्लू वाला कार्बन इसके जैसा होगा, नीचे वाला कार्बन को रेड से मार्क कर देते हैं, ये रेड वाला पार्ट दूसरे रेड वाले पार्ट के जैसा होगा, और येलो वाला पार्ट इस येलो के जैसा होगा। एक तो ये डिवीजन हो गया, दूसरा एक और डिवीजन ये हो सकता है, ये पार्ट ये भी इक्वल डिवीजन कर रहा है, इसका मतलब बेसिकली ये जो ऑरेंज वाला कार्बन है ये नीचे वाले ऑरेंज के जैसा होगा। तो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में से किसी एक पार्ट को कंसिडर कर लेंगे हम, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं। फिर उसके अलावा ये जो वाइट वाला पार्ट है नीचे के येलो वाले पार्ट के जैसा दिख रहा, इसका मतलब इसको भी हम वाइट से ये कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब ये व्हाइट वाला पार्ट पहले आपस में सेम था, बट ये ऊपर नीचे भी सेम है, और क्योंकि येलो येलो आपस में सेम था तो उसको भी व्हाइट से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये नीचे के रेड वाले पार्ट के जैसा दिख रहा, तो नीचे के रेड वाले पोर्शन को आराम से हम ब्लू वाले पोर्शन के फॉर्मेट में मेंशन कर सकते हैं। तो ये पार्ट ब्लू के फॉर्मेट में हो गया और ये वाला पार्ट भी नीचे के जैसा ब्लू के फॉर्मेट में हो गया। तो अगर ढंग से देखो तो टोटल तीन ही डिफरेंट कार्बन दिखाई दे रहे हैं, एक व्हाइट वाला पार्ट, एक ब्लू वाला पार्ट और एक ऑरेंज वाला पार्ट। इसका मतलब टोटल तीन डिफरेंट टाइप के अगर कार्बन दिख रहे हैं तो टोटल हम लोग तीन डिफरेंट टाइप के क्लोरीन को अटैच कर सकते हैं, कि यहाँ पे क्लोरीन को अटैच कर दिया एक पॉसिबिलिटी, या फिर क्लोरीन वाले पार्ट को दूसरे कार्बन पर अटैच कर दिया ये पॉसिबिलिटी, या फिर क्लोरीन वाले पार्ट को तीसरे कार्बन पर अटैच कर दिया थर्ड पॉसिबिलिटी। ये टोटल तीन पॉसिबिलिटी निकल के आएगा एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर पहले वाले केस में। सुधांशु सेकेंड वाले का आंसर क्या होगा इसमें? सर बता रहे हैं, एक सेकंड। सर आठ। आठ पक्का? चंदन दूसरी वाले में आठ हो रहा है, इसमें देख रहे हैं केवल दूसरे वाले में आठ होगा, मतलब पूरे की बात कर रहे हैं, सेकंड वाले पार्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा ये बताना है। सर हम भी सिर्फ दूसरे वाले के बताए थे। अरे पूरा आंसर बता सेकंड वाले का। सोलह।
पक्का? लगता तो है सर। अमृत अपना घड़ा खोलो थोड़ा। यस सर। यस सर नहीं चाहिए, हमको आंसर चाहिए। यस सर करते रहता है। आदित्य गौतम, आदित्य आशुतोष, चंदन, चंदन तो बता ही दिया। कल्पना, सोलह आंसर है कि ज़्यादा आंसर होगा? अगर सेकंड वाले केस को कंसिडर करें तो सेकंड वाले केस में टोटल तीन कायरल सेंटर है। क्लोरीन वाला कार्बन है ही और बाकी पार्ट भी कायरल सेंटर बन जाएगा। और तीन कायरल सेंटर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मतलब आठ। उसके बाद इसके थर्ड वाले पार्ट में भी तीन कायरल सेंटर है, इसका मतलब आठ। और पहले वाले केस में कोई कायरल सेंटर तो नहीं है, तो इस कायरल सेंटर वाला पार्ट अगर नहीं है तो इस केस में नॉर्मली एक होना चाहिए था, लेकिन नीचे वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नीचे वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि एक बार हो सकता है कि हाइड्रोजन वाला पार्ट सॉलिड पे हो और क्लोरीन वाला पार्ट भी सॉलिड पे हो, और दूसरे वाले पार्ट में हाइड्रोजन वाला पार्ट डैश पे हो। तो इस केस में एक जगह सिस हो सकता है, एक जगह ट्रांस हो सकता है। तो इसका मतलब टोटल दो यहाँ पे निकल के आएगा। टोटल आंसर 18 आराम से मेंशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। फिर अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले पार्ट को कंसिडर करते वक्त सिस ट्रांस तो दो अलग अलग फ्रैक्शन बनाएगा। आठ इनेंशियोमरिक पार्ट थे, मतलब आठ ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट थे, इसका मतलब इसमें टोटल चार इनेंशियोमरिक पेयर होगा। और अगर चार इनेंशियोमरिक पेयर हुआ तो चार फ्रैक्शन यहाँ से आएगा, और इसमें भी आठ में से चार इनेंशियोमरिक पेयर होगा, इसका मतलब चार फ्रैक्शन यहाँ से भी आएगा। तो टोटल मिला के 10 फ्रैक्शंस मिलेंगे आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए बहुत सेंसिबल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ठीक है, इस तरह क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना होता है। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो आराम से पूछ सकता है। जल्दी पूछो अगर यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई भी दिक्कत है कि सर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो आराम से पूछ लो, क्योंकि अगर इसमें डिफिकल्टी नहीं है तो फिर हम लोग इसके बाद मेन पार्ट पे अपने शुरू मूव करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट के। अभी तक मतलब एक छोटा सा बेसिक पार्ट था जिसको हम लोग सिक्वेंशियल रिएक्शन में नॉर्मली यूज किया करते। अब हम लोग मेन पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, क्या बोलते हैं, एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम क्या होता है, ये सारे के सारे चीजों का डिस्कशन करना आराम से शुरू करेंगे, ठीक है? अरे अमृत अपना ऑडियो म्यूट रखा कर, बहुत मार मारेंगे। तो इस केस में चलो सबसे पहला पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का, सम बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, हेडिंग डाल देना अपने कॉपी पे। और यहाँ तक हम लोग कोई चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं कि ये चैप्टर है ये चैप्टर है, यहाँ कोई चैप्टर नहीं चल रहा है। अभी अभी हम लोग कुछ बेसिक पार्ट का डिस्कशन करेंगे, जैसे मोल कंसेप्ट है। तो मोल कंसेप्ट में सुन रखा ना तुम लोगों ने कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो मोल कंसेप्ट में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था, बट इसको यूज करते हैं हम लोग। वेपर डेंसिटी हो गया या फिर बाकी और भी टर्म्स है, उन सब चीज़ों को हम लोग आगे यूज करते हैं। तो सिमिलर टाइप से यहाँ पे हम लोग सम बेसिक टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो
कुछ कुछ टर्म्स क्या हैं वो सब हम लोग पहले एक बार लिख लेते हैं। जैसे एक तो हम लोग का इंटरमीडिएट क्या होता है, या फिर ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट क्या होता है, सबसे पहला पार्ट। ये चीज़ तुम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ भी लिया है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा, इंटरमीडिएट क्या होता है। तीसरा पार्ट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम क्या होता है। इसको नोट डाउन मत करना, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। और इसी चीज़ को हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बोलते हैं, सेम चीज़ है दोनों। फिर उसके बाद लिविंग ग्रुप क्या होते हैं और लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होता है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानेंगे, या फिर इलेक्ट्रोफाइल का जनरल बिहेवियर क्या होता है। उसके बाद सॉल्वेंट्स, कितने टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, इन सब चीज़ों का डिस्कशन होगा। और सबसे लास्ट में जो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है, उस चीज़ को हम लोग नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल बोला करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। और दूसरा, न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड एक छोटा सा टर्म है न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये चीज़ क्या होता है। ये टोटल 7 टॉपिक्स हैं जिन चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सब में सबसे पहला जो टॉपिक अपना डिस्कशन चलेगा वो ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट है। ये अपने कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग डाल दो ट्रांजिशन स्टेट। कुछ बेसिक बेसिक डिफिनेशंस हैं, कुछ बेसिक 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 टर्म्स हैं, उन टर्म्स को थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है। हेडिंग डाल दो ट्रांजिशन स्टेट। चलो ध्यान दो। जैसे जब हम लोग एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम की बात करते थे, इसमें केमिकल काइनेटिक्स में, तो ये चीज़ ध्यान होगा, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं तो हमेशा एक हायर एनर्जी स्टेट के थ्रू होते हुए जाते हैं, जो कि एक इमेजिनरी स्टेट होता है। इस चीज़ को हम लोग नॉर्मली केमिकल काइनेटिक्स में कॉम्प्लेक्स स्टेट बोला करते हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स स्टेट वाला पार्ट क्या होता है, हम लोग उसी चीज़ को ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। तो बेसिकली बोलने का लैंग्वेज ये होता है कि जब भी कभी हम लोग कोई रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं, तो उस रिएक्शन वाले पार्ट के कंडक्शन के टाइम पे हमेशा पूरा का पूरा जो रिएक्शन है वो एक इमेजिनरी स्टेट के थ्रू होते हुए ही कंडक्ट होता है। वो इमेजिनरी स्टेट वाला पार्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से हायर एनर्जी पे होता है। उस इमेजिनरी स्टेट में ही सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन और सारे बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। दैट इमेजिनरी स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन है, बस ध्यान रखना है इस चीज़ का, नोट डाउन करना शुरू करो। इट इज एन इमेजिनरी स्टेट इट इज एन इमेजिनरी स्टेट थ्रू विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स अ रिएक्शन प्रोसीड्स या अ रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू प्रोसीड is considered to proceed और इसके नीचे दो तीन पॉइंट्स हैं जिसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट नोट करो, नोट डाउन। ऑल द बॉन्ड फॉर्मेशंस All the bond formations and bond breaking is considered to take place, in the transition state, सेकेंड पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट हैज एनर्जी लेवल हायर देन बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट
ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट का जो एनर्जी लेवल है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ही हायर होता है, ये कोऑर्डिनेशन, ये केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और एक छोटा सा पॉइंट है, वैसे इस चीज को हम लोग बाद में फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस पॉइंट का ध्यान रखना, इन अ रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, इन अ रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम the peaks represent the transition state, the peaks represent the transition state। एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम में जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उस चीज को हम लोग हमेशा ट्रांजिशन स्टेट बोला करते हैं। वैसे एक से ज्यादा स्टेप के अगर रिएक्शन होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा मोर देन वन स्टेप, तब उसके इसमें जितने पीक्स होंगे वो सारे के सारे पीक्स वाले पार्ट को हम लोग आराम से ट्रांजिशन स्टेट बोलते हुए काम कर सकते हैं। और नॉर्मली लिखने का इस तरह का तरीका होगा, जैसे एक छोटा सा रिएक्शन है, मान लो इस तरीके का एक रिएक्शन दे रखा कि कार्बन चेन दे रखा, इस कार्बन चेन वाले पार्ट में लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप को इन जनरल जैसे हम लोग एल जी से, मान लो यहाँ पे ब्रोमीन दे रखा अल्काइललाइड, तो इसका रिएक्शन अगर हम लोग ओ एच माइनस के साथ कराएंगे तो हो सकता है प्रोडक्ट वाला पार्ट ऐसा बने, प्रोडक्ट वाले पार्ट में आर के साथ ओ एच बनता है और साथ ही साथ बी आर माइनस। तो जैसे 10th क्लास में एक रिएक्शन याद होगा तुम लोगों को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो बेसिकली अगर आर के साथ बी आर वाला पार्ट रिएक्शन दे रखा है, मतलब आर बी आर के साथ ओ एच माइनस का रिएक्शन दे रखा, तो ये ओ एच माइनस इस बी आर वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही दूसरा तरीका हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ओ एच माइनस बेसिकली बी आर माइनस को रिप्लेस कर रहा, ठीक है, इस एक चीज का ध्यान रखना। तो जब ये रिएक्शन होगा तो पहले आर के साथ ब्रोमीन का बॉन्ड है, बट आर के साथ दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन का बॉन्ड है, आर के साथ ओ एच का बॉन्ड है, और पहले ओ एच था और यहाँ लास्ट में बी आर हो गया। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन हो रहा होगा, इस रिएक्शन वाले पार्ट में आर के साथ जो ब्रोमीन का बॉन्ड है, ब्रोमीन वाले पार्ट का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और ओ एच वाले पार्ट का बॉन्ड बन रहा होगा। तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसको भी हम लोग डैश लाइन से डिनोट करेंगे, जो बॉन्ड बन रहा है इसको भी हम लोग डैश लाइन से डिनोट करेंगे। और एक और चीज, इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप हो रहा, तो इस केस में ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर डेल्टा माइनस मेंशन कर सकते हैं, और दूसरा ब्रोमीन सॉरी माइनस चार्ज वाला पार्ट था पहले वो खत्म हो रहा, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज था बट खत्म हो रहा तो डेल्टा माइनस मेंशन कर सकते हैं, और ब्रोमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था पहले वाले केस में लेकिन माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है, तो अगर माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे भी डेल्टा माइनस मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जिसका चार्ज खत्म हो रहा उसमें खत्म होने के लिए डेल्टा माइनस मेंशन किया, और जिसमें चार्ज आ रहा है उसमें आने के लिए हम लोग डेल्टा माइनस मेंशन कर रहे हैं। इस एक चीज को हम लोग आराम से ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं, जहाँ पे हम लोग कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको डैश लाइन से डिनोट करेंगे, और क्या चार्जेस एग्जिस्ट कर सकते हैं उस चीज को भी आराम से मेंशन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लो इस चीज को। बड़ा सिंपल सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे रहेगा, बस इन चीजों को सुनना है, ध्यान रखना है कि ये थ्योरेटिकल पार्ट्स होते क्या हैं, क्योंकि कभी कभी सवाल इनके ऊपर भी कभी कभी क्या हमेशा पूछा जाता है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है इसमें, या इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा इसमें, कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग है, बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये सब चीजों का सवाल आराम से पूछा जाता है। अगर इसको नोट कर लिया होगा तो इसके नीचे फिर अगला हेडिंग डालना इंटरमीडिएट्स। जब हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे तो जीओसी वाले पार्ट में एक टॉपिक आया था कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, फिर वहीं पे हम लोग कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसका भी स्टेबिलिटी कंसिडर कर रहे थे, रेडिकल का स्टेबिलिटी भी हो सकता है। तो इस तरह का जो पार्ट है
जिनमें चार्जेज एग्जिस्ट कर रहे थे, और हो सकता है चार्जेज नहीं भी एग्जिस्ट कर रहे हो, जब भी कभी किसी एक रिएक्शन के टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ इस तरह के लेस स्टेबल स्पीसीज, ऑल्दो ये लेस स्टेबल है लेकिन अननोन स्पीसीज नहीं है, एग्जिस्ट करता है या बनता है, तो किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इस तरह के कुछ लेस स्टेबल स्पीसीज का जो फॉर्मेशन होता है, इन लेस स्टेबल स्पीसीज वाले पार्ट को हम लोग इंटरमीडिएट्स नॉर्मली बोला करते हैं। तो अपने कॉपी में डेफिनेशन नोट कर लो, दीज आर द लेस स्टेबल स्पीसीज फॉर्म्ड इन द इंटरमीडिएट स्टेप्स इन द इंटरमीडिएट स्टेप्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के टाइम पे इंटरमीडिएट स्टेप में क्या क्या स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, इन सब चीजों को हम लोग आराम से इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। मतलब नाम ही इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट स्टेप में जो बन रहा हो इंटरमीडिएट आराम से बोला जा सकता है। और एग्जांपल्स में नाम कुछ कुछ ध्यान रखना, एक तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, मतलब बेसिकली हम लोग कार्बोकटायन की बात कर रहे हैं। उसके अलावा अच्छा कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट बताना रह गया था, चलो ठीक है, इस टॉपिक के बाद हम लोग सबसे पहला टॉपिक कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट देख लेंगे। कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, इस चीज़ को हम लोग कार्बनायन बोल सकते हैं। फिर उसके बाद कार्बन के ऊपर अगर रेडिकल होगा तो फ्री रेडिकल या कार्बन रेडिकल आराम से बोल सकते हैं। उसके अलावा सी सी एल टू टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें कार्बन में दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में नहीं जा रहा होता है, इस एक चीज को हम लोग कार्बीन बोल सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे अरिनियम आयन हो सकता है, या फिर आगे जाने के बाद नाइट्रीन इंटरमीडिएट हो सकता है, इस तरीके के बहुत सारे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो सकता है। इन सब चीजों का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होगा, और इसके नीचे नोट लिख करके एक पॉइंट मेंशन कर लेना। जब हम लोग एक एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाते हैं तो एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम जो है वो पहाड़ टाइप का रहता है, इस टाइप का, इस चीज को एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बोलते हैं। अगर एक स्टेप हुआ जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था तो ये डायग्राम होता है, अगर दो स्टेप होगा तो इस केस में दो स्टेप के लिए ऐसा कुछ डायग्राम होगा, अगर दो से ज्यादा या तीन स्टेप होगा तो इस केस में तीन स्टेप इस टाइप का कुछ दिखाई देगा, अगर चार स्टेप होगा तो हो सकता है इस तरह का कुछ डायग्राम दिखाई दे। बेसिकली जब हम लोग एक एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाते हैं तो जितने स्टेप्स में रिएक्शन होता है उतने ही हम लोगों को पीक्स दिखाई देते हैं हमेशा, मतलब एक पहाड़ में जो पीक्स होते हैं वो जितने स्टेप है उतने ही बार दिखाई देंगे। तो इस केस में ये जो लोअर एनर्जी वाला पार्ट है, मतलब ये तो रिएक्टेंट हो गया, इधर प्रोडक्ट हो गया, बाकी बचा स्पीसी देखिए, ये पार्ट लोअर एनर्जी पे, ये पार्ट लोअर एनर्जी पर, यहाँ पे ये तीन पार्ट, ये तीनों एक स्टेप के लास्ट का पार्ट है, फिर यहाँ से दूसरा स्टेप शुरू हुआ वहाँ के बाद का पार्ट है, फिर वहाँ से आगे तीसरा स्टेप शुरू हुआ उसके बाद का पार्ट है। तो हर एक स्टेप के बाद जो भी स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है इस चीज़ को हम लोग इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। तो जैसे टेंथ क्लास, सॉरी टेंथ नहीं, नाइन्थ क्लास में वेव में ये टर्म सुना होगा, क्रेस्ट और दूसरा ट्रफ्स। क्रेस्ट का मतलब होता है ये पार्ट जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, और ट्रफ्स का मतलब ये घाटी वाला पार्ट। तो ये जो ट्रफ्स होते हैं ये पार्ट एक एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम में इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पॉइंट नोट कर लो, नोट लिख करके, द ट्रफ्स इन द ट्रफ्स इन द एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम डायग्राम रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन स्टेट्स रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन स्टेट। और इस तो चीज ट्रांजिशन स्टेट तो क्रेस्ट रिप्रेजेंट करेगा ना, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, क्रेस्ट होता है कि ट्रफ होता है? ट्रफ होता है। हाँ तो नीचे वाला ट्रांजिशन, सॉरी रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट तो हम लोग मेंशन कर दिए, पीक्स वाला पार्ट है, सॉरी रिप्रेजेंट्स द इंटरमीडिएट।
और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देना एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम, एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम, और इसको एनर्जी प्रोफाइलिंग डायग्राम भी बोलते हैं। एनर्जी प्रोफाइलिंग डायग्राम का मतलब बेसिकली जब एक रिएक्शन हो रहा होता है तो उस रिएक्शन के होने के टाइम पे हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट में क्या क्या एनर्जी का वेरिएशन होता है, हम लोग इस चीज़ को पुटअप करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी आराम से बोला जा सकता है। तो यहाँ पे साइड में मेंशन कर लेना, इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के टाइम पे जो हम लोग एनर्जी का वेरिएशन होता है, उस एनर्जी के वेरिएशन वाले पार्ट को हम लोग आराम से एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम से मेंशन कर सकते हैं। और अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स का अपने को ध्यान रखना होगा। जैसे एक तो पार्ट तुम लोगों ने पढ़ रखा है केमिकल काइनेटिक्स में, बस इसको हम रिपीट करने के लिए रिपीट कर रहे हैं, अदरवाइज ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनता है रिपीटेशन वाले पार्ट का। और इसमें कुछ कुछ सवाल पूछते जाएंगे, तुम लोगों को सवाल का जवाब देते जाना है। जैसे मान लो अगर हम लोग एनर्जी वर्सेस टाइम की बात करते हैं, तो टाइम लिखो यहाँ, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पी ओ आर, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इस केस में हो सकता है कि एक ग्राफ ऐसा हो, रिएक्टेंट वाला पार्ट हायर एनर्जी पे है, प्रोडक्ट वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे है, और एक स्टेप का रिएक्शन है, तो ये एक डायग्राम बन सकता है। दूसरा, रिएक्टेंट वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे है और प्रोडक्ट वाला पार्ट हायर एनर्जी पे है, तो उस केस में दूसरे स्टेप में ये रिएक्शन हो सकता है। और तीसरा पार्ट, रिएक्टेंट वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे है और प्रोडक्ट वाला पार्ट, सॉरी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों इक्वल एनर्जी पे है, तो इस केस में ग्राफ वाला पार्ट कुछ इस टाइप का बन के आ सकता है। तो पहला वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग किस तरह का रिएक्शन बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन? चंदन बताओ भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहला वाला। एक्सोथर्मिक? यस। पक्का? यस सर। एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। पहले वाले केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच वाला पार्ट अपना नेगेटिव होता है यहाँ पे। अगर रिएक्टेंट हायर एनर्जी पे है और प्रोडक्ट वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे है, तो इस केस में जब रिएक्टेंट हायर से लोअर प्रोडक्ट एनर्जी में जाएंगे, तो हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी में गए, तो ये चीज़ हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि हायर से लोअर एनर्जी पे जाने पे सिस्टम से एनर्जी लिबरेट होता है। तो उस केस में जब सिस्टम से एनर्जी लिबरेट हुआ तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दूसरे वाले केस में जब एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाएंगे, लोअर से हायर पे जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट लोअर एनर्जी पे था, प्रोडक्ट हायर एनर्जी पे, तो जब लोअर से हायर पे जाना होगा, मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे सिस्टम को एनर्जी एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मेंशन कर दिया है। तीसरे वाले केस को क्या बोलेंगे अमृत? हाँ सर बताइए। हाँ सर, यस सर, यस सर, और हाँ सर केवल करता है, जो सवाल पूछ का जवाब दे सीधा। थर्ड वाले रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तो नहीं बोल सकते, तो बोलेंगे क्या? नो रिएक्शन। अबे रिएक्शन तो हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, क्या आदमी है तुम? नो रिएक्शन। कल्पना? बोलो भाई कल्पना। मुस्कान? तुषार? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बट
जब हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं तो डेल्टा डेल्टा एच वाला पार्ट वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। यहाँ पे दोनों का एनर्जी बराबर है, इसका मतलब डेल्टा एच वाला पार्ट ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो जीरो। और जैसे टेम्परेचर वाला पार्ट का चेंज जीरो होता है तो आइसोथर्मल बोला करते हैं, आइसोबारिक आइसोकोरिक वर्ड यूज करते हैं। तो इस केस में जब डेल्टा एच वाला पार्ट जीरो होगा, मतलब डेल्टा एच में कोई एच में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, तो आइसो वर्ड यूज कर सकते हैं। और एच वाला पार्ट इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हम लोग आइसो इंथैल्पिक रिएक्शन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं, ये नाम ध्यान रखना। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम एनर्जी पे है तो इस केस में आइसो इंथैल्पिक रिएक्शन वर्ड मेंशन किया जा सकता है। नोट कर लो, ये एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम का सबसे बेसिक एक पार्ट है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी चीज़ आराम से मेंशन कर सकते हैं। जैसे इन सारे केसेस में हम लोग रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट में चले गए, तो जैसे रिएक्टेंट से अगर सीधा प्रोडक्ट में चले गए मतलब वन स्टेप रिएक्शन है। बट अगर वन स्टेप की जगह दो स्टेप रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट से किसी एक इंटरमीडिएट में जाते फिर उसके बाद प्रोडक्ट में जाते। तो जब ए में जाना होता तो पहले रिएक्टेंट से ए वाले पार्ट में जाते फिर ए वाले पार्ट से पी वाले पार्ट में जाते। तो जब हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होता है तो सिंगल स्टेप रिएक्शन बहुत ही रेयरली होता है। जैसे SN1 रिएक्शन है सिंगल स्टेप रिएक्शन, बट आगे जाने के बाद और E2 के अलावा कोई भी हमको ध्यान नहीं है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन निकल के आता है। तो जब हम लोग इन रिएक्शंस वाले पार्ट की बात करेंगे अपने सिलेबस के स्कोप में, तब उस केस में हो सकता है कि एक से ज़्यादा स्टेप का रिएक्शन हो। अब जितने स्टेप्स के रिएक्शन होंगे हम लोग आराम से उतने स्टेप्स के हिसाब से एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बना सकते हैं। उसमें होता क्या क्या है ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे ये चीज़ हम लोगों ने इसमें क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला पार्ट, कि जब भी कभी हम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना होता है तो वहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज़ किया करते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये पूरे रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है जो पूरे रिएक्शन के ओवरऑल रेट को डिटरमाइन कराता है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप। और जो हम लोग का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाला पार्ट ही इस चीज़ को डिसाइड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन एग्जैक्टली क्या है। तो जो हम लोग का ईए वाला वैल्यू होगा, इस ईए वाले वैल्यू से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग आराम से एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम वाले पार्ट में आरडीएस मेंशन कर सकते हैं। तो हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट मेंशन करना शुरू करेंगे। नोट लिख करके पहला पॉइंट मेंशन करो। इन एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम, इसको ऐसा शॉर्टकट में लिख दिया, इन एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम the number of steps will be equal to the number of transition state, although ये point हम लोग पहले भी mention कर चुके हैं, और सेकेंड पॉइंट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स माइनस वन। जितने स्टेप होंगे उसमें से एक माइनस कर लो, आराम से हम लोग नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स निकाल सकते हैं।
थर्ड पॉइंट जो अपने वो कंसिडर करना होता है, और यही पॉइंट एक्चुअल में थोड़ा ध्यान रखने लायक होता है, द स्टेप विथ हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन will be the rate determining step. And it is the slowest step of the reaction. यहाँ के हिसाब से एक छोटा सा हम लोग पार्ट मेंशन कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में. जैसे अगर मान लो ऐसा एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम दे रखा कि एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इस पूरे पार्ट में हम लोग एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम में रिएक्टेंट से हम लोग प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाले पार्ट में जाते वक्त मान लो ऐसा टाइप का एक रिएक्शन दे रखा, तो इससे रिलेटेड हम लोग तीन चार इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. पहला इन्फॉर्मेशन, रिएक्शन एक्सोथर्मिक एक इंडोथर्मिक है. रिएक्शन के एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक होने का जो नेचर है वो केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी गैप किस टाइप का है. अगर रिएक्टेंट लोअर एनर्जी पे है, प्रोडक्ट वाला पार्ट हायर एनर्जी पे है, इसका मतलब हमेशा हीट एब्जॉर्ब करेगा. और ऐसा सिंपली बस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट अगर ऊपर है तो हायर एनर्जी पे जाने के लिए हीट देना पड़ेगा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वाला पार्ट. इसका मतलब डेल्टा एच वाला पार्ट आराम से पॉजिटिव लेके चल सकते हैं. सबसे पहला इन्फॉर्मेशन. दूसरा, अगर हम लोग नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में जो भी अपने पीक पॉइंट्स होंगे इन सब को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं. तो ये पार्ट टोटल चार के बराबर हो गया. थर्ड पार्ट जो डिस्कशन करना है, अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स की बात करें तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स जो भी अपने नीचे वाले पॉइंट होंगे जो घाटी टाइप का पार्ट है, तो यहाँ टोटल तीन के बराबर हो गया. उसके बाद चौथा हम लोग एक और पॉइंट डिस्कशन में कर सकते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा. तो इस पूरे पार्ट में ये सबसे पहला स्टेप है, केवल इतना पार्ट पहला स्टेप है. फिर ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्टेप है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा स्टेप है, और ये पार्ट चौथा स्टेप है. लेकिन जो हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कंपेयर करते हैं वो यहाँ से कंपेयर करेंगे. तो पहले वाले केस में ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा, दूसरे वाले केस में यहाँ से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा, तीसरे वाले केस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, चौथे वाले केस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. तो जब हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कंपेयर करना शुरू करेंगे तो इस केस में जिस स्टेप में सबसे ज़्यादा, ये जैसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, जिस स्टेप में सबसे ज़्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगा जो कि दिख रहा है सेकंड स्टेप वाले पार्ट में, तो आराम से हम लोग सेकंड स्टेप वाले पार्ट को RDS मेंशन कर सकते हैं. वैसे तुम लोगों के रिस्पेक्ट में मतलब इतना ज़रूरी चीज़ नहीं होता ये सब. ये सब इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस जैसे E1 रिएक्शन, SN1, SN2 और E2, इन चारों रिएक्शंस के केस में हम लोग को ये एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम वाला पार्ट डिस्कस करना होता है. इसलिए हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं. नोट डाउन कर लो इस चीज़ को.
अगर नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट इंटरमीडिएट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है और रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम क्या होता है, ये तीन पार्ट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट का हम लोग को डिस्कशन करना है ये है हम लोग का लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप क्या होता है और दूसरा लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होता है, इन दोनों चीज की बात करेंगे। तो वैसे क्लियरली लिविंग ग्रुप जैसा कोई टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं करते, लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला ही पार्ट डिस्कस करते हैं। और इस लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाले पार्ट को हम लोग न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी भी बोलते हैं, ये दोनों टर्म यूज किया जा सकता है, न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी ये टर्म ध्यान रखना बस केवल। तो जैसे मान लो हम लोग ऊपर डिस्कशन कर रहे थे आर के साथ बी आर वाला पार्ट है और इसका रिएक्शन अगर हम लोग ओ एच माइनस के साथ कराए तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आर के साथ ओ एच वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो गया और बी आर माइनस वाला पार्ट हट गया। तो टेंथ क्लास में जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद होगा कि जिंक वाला पार्ट कॉपर के साथ कंबाइन करने पे या कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइन करने पे जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है, साथ ही साथ कॉपर वाले पार्ट को डिस्प्लेस कर रहा। तो वहाँ पे जो जिंक वाला पार्ट था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, वो आराम से जिंक सल्फेट में चला गया, मतलब जिंक सल्फेट के फॉर्म में चला गया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो जो एलिमेंट डिस्प्लेस होकर बाहर निकल गया, इस चीज़ को हम लोग लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो इस पूरे रिएक्शन में OH- वाला पार्ट जिंक के जैसा बिहेव कर रहा, OH- आराम से कार्बन चेन वाले पार्ट में जो ब्रोमीन था उसको डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दे रहा है। तो ये जो ब्रोमीन वाला पार्ट है ये पूरे कंपाउंड से अलग हट जा रहा है, पूरे कंपाउंड को लीव कर दे रहा है। तो इस वजह से हम लोग इस रिएक्शन वाले पार्ट में आराम से टर्म लिविंग ग्रुप का एसोसिएट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली एक कार्बन के रिएक्टेंट वाले पार्ट में किसी रिएक्शन के टाइम पे अगर एक ग्रुप हट जाता है तो उस चीज को हम लोग लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बी आर माइनस वाला जो पार्ट है इस चीज को नॉर्मली लिविंग ग्रुप बोला जा सकता है। उसके अलावा जो कार्बन चेन जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा या जिस कार्बन चेन वाले स्पीसीज में रिएक्शन हो रहा उसको बोलने के लैंग्वेज में इन जनरल सबस्ट्रेट बोला जाता है। जो पार्ट जैसे हम लोग बोले थे ना ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, तो इस केस में OH- Br- को रिप्लेस कर दिया। तो जो पार्ट किसी एक लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को रिप्लेस कर रहा है तो वहाँ वाले पार्ट में हम लोग टर्म न्यूक्लियोफाइल यूज करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहले वाले पार्ट को हम लोग सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, दूसरे वाले पार्ट को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, और सबस्ट्रेट तो बोल ही सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी वर्ड लगा सकते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल जिस स्पीसीज के साथ कंबाइन करेगा या रिएक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा आराम से बोला जा सकता है। तो टर्मिनोलॉजी जो है, इन टर्मिनोलॉजी वाले पार्ट में हम लोग आराम से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है इन सारी चीजों को आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को लिविंग ग्रुप से मतलब नहीं है केवल, हम लोग को लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाले पार्ट से मतलब है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे कंपेयर कर सकते हैं आते उस चीज पे, ये रिएक्शन वाले पार्ट को नोट डाउन कर लो क्योंकि आगे के तीन पार्ट में हम लोग को इन तीनों चीजों को यूज करना है। लाइट कट गया यार। और जिसको भी डाउट होता जाएगा पूछता चला जाना, अभी बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में, रिएक्शन में क्रियाधर्म नहीं शुरू हुआ है, बस कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, कुछ बेसिक टर्म्स है, उन सब चीजों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, जैसे जब हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करते हैं तो बड़ा उसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल को देखें, जैसे मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा था कि बी आर माइनस हट रहा है, बट अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता, ऑल्दो होता नहीं है बट अगर मान लेते कि होता, तो OH- वाला पार्ट फिर लिविंग ग्रुप के जैसा दिखाई दे रहा होता अपने को कि पहले में Br- लिविंग ग्रुप है, दूसरे में OH- लिविंग ग्रुप है। तो बेसिकली OH- अगर लिविंग ग्रुप बन गया,
अगर OH- वाला पार्ट बैकवर्ड रिएक्शन वाले पार्ट के लिए लिविंग ग्रुप बन गया तो फिर Br- वाले पार्ट को न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है न्यूक्लियोफाइल या लिविंग ग्रुप या जो कुछ भी, ये सारा का सारा चीज ऑलमोस्ट, तुम लोग को आवाज क्लियरली आ रहा है क्या? कि अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ है आवाज में? आ रहा है ठीक है, क्योंकि लाइट कटता है तो थोड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम आता है। चलो, तो जैसे ये जो पूरा का पूरा टर्म है लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, ये एक्चुअल में सेम ही चीज है, केवल डायरेक्शन का डिफरेंस है। मतलब जैसे अगर मान लो कि हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करते तो OH- न्यूक्लियोफाइल था, Br- लिविंग ग्रुप था। बट अगर बैकवर्ड रिएक्शन होता तो बैकवर्ड रिएक्शन में इस रिएक्टेंट के ऊपर Br- रिएक्शन करने के बाद OH- को रिप्लेस कर रहा होता, तो फिर Br- न्यूक्लियोफाइल बन जाता और उसके बाद OH- वाला पार्ट लिविंग ग्रुप बन जाता। तो है सेम चीज, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा पार्ट है कि हम लोग रिएक्शन के डायरेक्शन के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि हम लोग किस चीज को क्या बोलना चाह रहे हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो OH- वाला पार्ट या Br-, ये दोनों में से कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, और दोनों अगर और ज्यादा प्रिसाइजली देखें तो दोनों के दोनों बेस भी है, क्योंकि Br- वाला पार्ट, सॉरी Br- वाला जो पार्ट है वो आराम से H+ के साथ कंबाइन करके HBr बना सकता है, OH- वाला पार्ट H+ के साथ कंबाइन करके H2O बना सकता है, और जो भी स्पीसीज हम लोग के H+ को गेन करता है उस चीज को हम लोग बेस बोला करते हैं। तो बेसिकली OH- न्यूक्लियोफाइल बोलो या लिविंग ग्रुप बोलो है ओवरऑल बेस, Br- न्यूक्लियोफाइल बोलो या लिविंग ग्रुप बोलो है ओवरऑल बेस। तो इसका मतलब हम लोग केवल बेस वाले ही पार्ट को अलग अलग फॉर्मेट का नाम दे दे रहे हैं, कहीं उसको न्यूक्लियोफाइल बोल दे रहे हैं, कहीं वहाँ पे हम लोग लिविंग ग्रुप बोल दे रहे हैं। तो जब हम लोग लिविंग ग्रुप बोला करेंगे तो हम लोग जैसे जब बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते थे, तो बेसिक स्ट्रेंथ के कंपेरिजन करते वक्त तुम लोग को एक चीज बताया था कि स्ट्रॉन्ग बेसिस का मतलब क्या है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे मान लो OH- है और F- है, तो इन दोनों में OH- स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब क्या है? तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, जो ज्यादा रिएक्टिव बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और F- वाला पार्ट लेस रिएक्टिव बेस है, इसका मतलब वीक बेस है। तो जो बेस वाले पार्ट का रिएक्टिविटी है वही चीज बेसिकली लिविंग ग्रुप एबिलिटी में हम लोग रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग बचपन में जो चीज पढ़े थे, तो जिंक वाला पार्ट कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कराया और साथ ही साथ कॉपर का फॉर्मेशन कराया, तो मोर रिएक्टिव, और यहाँ कॉपर सल्फेट भी छोड़ दो, Cu2+ और प्रोडक्ट वाले पार्ट में आपके भी केमिकल काइनेटिक्स, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया तो इस चीज का आइडिया लग गया है तुम लोगों को कि हम लोग रिएक्शन में Cu2+ वाले पार्ट को आराम से Cu में कन्वर्ट करा सकता है जिंक वाला पार्ट। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल था वो मोर रिएक्टिव वाला पार्ट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब बेसिकली जो लेस रिएक्टिव है वो आराम से बाहर निकल सकता है। तो इन दोनों में जब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के टर्म में बात करेंगे तो पहले हम लोग का बेस वाला पार्ट Br- और OH- था, Br- वाला पार्ट हम लोग का लिविंग ग्रुप के जैसा बिहेव कर रहा था और प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग को Br- निकल के मिल जा रहा था। तो अगर Br- वाला पार्ट हम लोग को प्रोडक्ट में बाहर निकल के मिल जा रहा है, उस कंपाउंड से डिसोसिएटेड फॉर्म में मिल जा रहा है, तो अगर हम लोग 10th क्लास के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंसेप्ट कंसिडर करें तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो आराम से डिस्प्लेस हो जाता है। तो Br- लेस रिएक्टिव एलिमेंट था, इसका मतलब आराम से डिस्प्लेस हो रहा था, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ से कंपेयर करें तो जितना लेस रिएक्टिविटी उतना लेस बेसिक स्ट्रेंथ बोला जा सकता है। तो अगर हम लोग OH- और Br- की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ के टर्म में OH- स्ट्रॉन्गर बेस है, और स्ट्रॉन्गर बेस होने का मतलब ज्यादा रिएक्टिव बेस है, और Br- वाला पार्ट लेस रिएक्टिव बेस है। तो लेस रिएक्टिव बेस वाला पार्ट आराम से अच्छे लिविंग ग्रुप के जैसा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, उसको हम लोग आराम से हटा सकते हैं। ये हम लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे, बस उसको अलग फॉर्मेट में पढ़े थे लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर गया। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को जब रिलेट करना शुरू करते हैं तो सिंपली बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेट करते हैं। तो तुम लोगों को ये चीज़ बोला था कि बेसिक स्ट्रेंथ वाले टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस चीज़ को आगे हम लोग यूज़ करेंगे। लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करने के लिए सिंपली एक छोटा सा स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप। मतलब जितना बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला पार्ट उतना बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट जितना डिक्रीज करता जाएगा हम लोगों का लिविंग ग्रुप
एबिलिटी वाला पार्ट उतना ज्यादा इंक्रीज करता चला जाएगा। सेम स्टेटमेंट है, बस अलग अलग फॉर्मेट में है। जैसे अगर मान लो सवाल में ये दिया, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, बारिश भी हो गया इतने देर में, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग केसेस, सॉरी कंपेयर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस, तो बस बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो और उसका उल्टा ऑर्डर ले लो। जितना पुअर बेसिक स्ट्रेंथ होगा, जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना पुअर लिविंग ग्रुप होगा। इसके बेसिस पे आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर कर रहे हैं, बस ऑर्डर उल्टा ले लेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा उसका उल्टा लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर निकल के आएगा। छाप लो इस चीज को और फिर क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नोट करना शुरू करो। कंपेयर द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस, फटाफट ट्राई करते जाओ। कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा होगा बेंजीन वाला तो पीएचओ माइनस लिख सकते हैं आराम से। चलो ट्राई करो। चार क्वेश्चंस, सॉरी पांच क्वेश्चंस। अरे मान के चल रहे कि तुम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट तो अच्छा होगा, तुम लोग को बोला था पढ़ने के लिए तो आता ही होगा ये चीज।
आशुतोष आवाज आ रहा है? बता भाई पहले वाले कैंसर। क्या चलो जान दो पहले वाले केस में। जब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते वक्त सबसे स्ट्रॉन्गर बेस पहला वाला पार्ट होगा। कैसे होगा ये चीज हम नहीं बता रहे, ये बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पहला ही सवाल हुआ करता है नॉर्मली। तो बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे स्ट्रॉन्गर बेस पहला वाला, फिर दूसरा, फिर उसका तीसरा, और सबसे लास्ट में हम लोग चौथे वाले पार्ट की बात करते हैं। तो जब हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करेंगे तो उस केस में जो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है वो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप वाला पार्ट अपना चौथा निकल के आएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये रिलेटिव कंपेरिजन है, ऑल दो वो चारों ही पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन सबसे अच्छा उसमें लिविंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा तो एफ माइनस को आराम से मेंशन कर सकते हैं। दूसरे वाले केस में जब बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। अलॉन्ग द पीरियड हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कंपेरिजन करते हैं, और डाउन द ग्रुप हम लोग हमेशा साइज के हिसाब से कंपेरिजन करते हैं। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाले पार्ट में जस्ट उल्टा ऑर्डर, वन सबसे लोएस्ट पुअर लिविंग ग्रुप, फिर टू वाला पार्ट, फिर थ्री वाला पार्ट, फिर फोर वाला पार्ट आराम से मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर टू ग्रेटर देन वन, तो जो हम लोग का लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगा वन ग्रेटर देन टू आराम से मेंशन किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर वाले पार्ट में जब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस वन होगा, फिर उसके बाद टू होगा, उसके बाद थ्री होगा, क्योंकि पहले वाले केस में नेगेटिव चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं है, दूसरे वाले केस में रेजोनेंस इफेक्ट है, और तीसरे वाले केस में माइनस एम इफेक्ट है। तो माइनस एम इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को बहुत स्टेबलाइज कराएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे लोएस्ट रखेगा। फिर रेजोनेंस इफेक्ट थोड़ा स्टेबलाइज कराएगा, बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा हायर, और वन वाले पार्ट में कोई इफेक्ट नहीं है, नेगेटिव चार्ज सबसे लेस स्टेबल, तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाले पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो वन लेस देन टू लेस देन थ्री आराम से मेंशन किया जा सकता है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर फोर, स्ट्रक्चर नंबर फोर में नेगेटिव चार्ज केवल एक जगह माइनस एम कर सकता है, जबकि यहाँ पे दो जगह पॉसिबल है। तो इस केस में स्ट्रक्चर नंबर फोर में सेकेंड वाला पार्ट अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करे तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग के पास टू ग्रेटर देन वन है, और जितना स्टेबल स्ट्रक्चर होता है बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट उतना ही कम होता है। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वन ग्रेटर देन टू होगा, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला पार्ट अगर हम लोग कंपेयर करें तो आराम से टू ग्रेटर देन वन मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाले पार्ट में। यहाँ तक के पार्ट में किसी कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। बताओ भाई जल्दी, यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट किसी को? चलो अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं तुम लोगों को बुकलेट से, एक मिनट। तुम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म का बुकलेट मिला है कि नहीं मिला है? मिला है सर। मतलब ये प्रिंट आउट मिला है या फिर ऑनलाइन मिला है? तो प्रिंट आउट पहले मिल गया था। अच्छा, ऑनलाइन भी मिल गया है क्या? ऑनलाइन में तो सर आप भेजे थे शायद। भेज दिए थे, एक मिनट हम देख लेते हैं। अच्छा ये बुकलेट है ना। ओके, हाँ यार भेज तो दिए है, इसको हम रखे कहाँ पे है? ट्वेल्थ में मेडिकल में, 12th मेडिकल। चलो इसको हम एक बार अपने फाइल में डाल लेते हैं। अच्छा ये तो दे रखा है, रिएक्शन में किसी को बुकलेट डाल ही रखा है यहाँ पे। ओके हाँ ठीक है, जो जो क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं सबको ट्राई करते जाना। एक्सरसाइज वन वाले पार्ट में
क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्वेश्चन नंबर 36 ये सवाल मालूम करके देखना, अल्केन वाला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर टू का क्वेश्चन नंबर 23, ये पता करके देखना। इससे रिलेटेड एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा होगा अल्केन वाले पार्ट में, मालूम करके देखना अभी के लिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 20 खुद से मालूम करके देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बाद में हम लोग देंगे भी, बट अभी के लिए खुद से मालूम करके देखो। क्वेश्चन नंबर 19 इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 इस तरह के ही सवाल की बात कर रहे थे, इस तरह के सवाल में जैसे लिखा है यहाँ पे, एन अल्केन एक्स रिक्वायर्ड 35 लीटर ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कम्बशन, एक्स फॉर ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो एक्स का स्ट्रक्चर फाइंड करो, ऐसा या फिर उससे रिलेटेड कुछ और पार्ट। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, यह भी मैं ट्राई करना, इसमें एक और पार्ट दे रखा है, अल्कोहलिक के वेज दे रखा है, अभी के लिए मैं ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 25 को। दो पार्ट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये तीसरा पार्ट अभी थोड़ा बाकी है, अभी छोड़ देना इस सवाल को, बट इस तरह के सवाल के लिए मोनोक्लोरिनेशन वाला पार्ट पहले पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, आराम से इस चीज को पढ़ सकते हैं। ये कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 6 का ही, ओजोन डीके कौन से गैस के वजह से होता है, ये तुम्हारे बायोलॉजी का सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है, और ये अल्काइल है टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी सर्च कर सकते हैं, सबसे लास्ट में दे रखा है एनसीईआरटी में, खुद से रीडिंग करने लायक टॉपिक है, पढ़ के देखना। क्वेश्चन नंबर 24 जनरल नॉलेज का सवाल है, देखते ही मालूम पड़ रहा होगा ऊपर, बट बाकी नाम का भी ध्यान रखना, वो भी एनसीईआरटी के अल्काइल है टॉपिक में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 जनरल नॉलेज का सवाल है, रेफ्रिजरेंट की जैसा कौन सा गैस यूज करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 45 एक्सरसाइज नंबर कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड एक्सरसाइज था. एक्सरसाइज नंबर 10 एक्सरसाइज स्टेट का क्वेश्चन नंबर 45 चलो ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करके देखना, उसके बाद फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं आराम से. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं आराम से. चलो ओके.